हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर आप सभी के सामने। जी हाँ, सी टेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप ऐसे देख पाएंगे अपना रिजल्ट, हम चलिए दिखाते हैं पूरी डिटेल में। और 3.52 लाख अभ्यर्थियों को पास किया गया है सी टेट की परीक्षा में। चलिए हम डिटेल में इस पर बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए देखते हैं क्या है अपडेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी टेट 2019 का रिजल्ट जो है जारी कर दिया है। 3.52 लाख अभ्यर्थी पास हुए हैं। एक क्लिक पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो वेबसाइट में आपको आपकी वेबसाइट क्या है, कहाँ से आपको देखना है, याद रखिएगा cbseresult.nic.in। आपको वेबसाइट याद होनी चाहिए cbseresults.nic.in पे देखना है आपको। इस सी टेट में 3.52 लाख अभ्यर्थी पास हुए हैं। टी टेट 7 जुलाई को 104 शहरों में आयोजित की गई थी। आगे देखते हैं डिटेल्स में क्या और खबर है। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखा, केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के परिणाम सीटेट रिजल्ट का रिकॉर्ड 23 दिन में जारी कर दिए गए हैं। 29.22 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें कि 23.77 लाख ने परीक्षा दी थी तथा 3.52 लाख अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। परीक्षा 114 शहरों में हुई थी। उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इस साल सी टेट परीक्षा में कुल 23.77 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। सी टेट परीक्षा 7 जुलाई को देश के 104 विभिन्न शहरों में आयोजित की गई थी। कक्षा 1 से 5वीं के लिए होने वाला पेपर सुबह 9:30 से 12:30 तक हुआ था, आयोजित किया गया था। वहीं कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए पेपर 2 का आयोजन दोपहर 2 से 4:30 बजे तक किया गया था। यहाँ पे आप देखें आपको कैसे रिजल्ट चेक करना है, ये आप देख लीजिए। सी टेट रिजल्ट का चेक करने के लिए आप वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर दिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सी टेट जुलाई 2019 के लिंक करें। अब रोल नंबर सबमिट करें, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। डिजी लॉकर में मिलेगा सर्टिफिकेट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के अंक प्रमाण पत्र एवं सफल अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट उनके डिजी लॉकर खाता में डिजिटल स्वरूप में प्रदान करेगा। उपरोक्त अभ्यर्थियों के डिजी लॉकर खाते खोले जाएंगे एवं खातों से संबंधित विवरण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्रेषित किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं अंक प्रमाण पत्र पात्रता प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित होंगे एवं विधित रूप में मान्य होंगे। दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ेगी। बेहतर सुरक्षा के दृष्टिगत अंक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र के इनक्रिप्टेड QR कोड से होंगे। QR कोड को स्कैन किया जा सकता है। इसकी पुष्टि डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से की जा सकती है। तो इस प्रकार से आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। उम्मीद है कि अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। आप अपना जाके वेबसाइट पर जाके cbseresults.nic.in पे चेक कर सकते हैं। जो लोग सभी लोग पास हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद।